वेल well, uh, दोस्तों हम लोग ने ये जो पोस्टर रिलीज़ किए मैं आपको पहले बताऊं कि इस फिल्म में हमारी एक कोशिश है क्योंकि जिस इस हर फिल्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है हर फिल्म की अपनी मार्केटिंग करने का तरीका होता है और इस फिल्म में हमको लगा कि हमें जो हमारी इमेजेस हैं हर जो जो किरदार की हर एक इमेज है वो बहुत सारी कहानियाँ अपने आप में बोलती है तो हमें एक पोस्टर कैंपेन हमें लगा आमतौर पर हम लोग ट्रेलर्स रिलीज़ करते हैं अलग अलग ट्रेलर इसमें भी ट्रेलर होगा बाद में लेकिन पोस्टर पे हम खास ध्यान दे रहे हैं तो हमारे पास एक पोस्टर कैंपेन है जो हर दो तीन हफ्ते में हम एक नया लुक एक किरदार का एक नया पहलू आपको आपके सामने पेश करेंगे और तो लिहाजा ये दूसरा वाला पोस्टर है हमारा आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारी कोशिश ये है कि जैसे जैसे पोस्टर रिलीज़ हो जैसे जैसे अलग अलग लुक आपके सामने आए किरदार का आप और कन्फ्यूज़ होते जाए कंफ्यूजन दूर करने के बजाय हम चाहते हैं कि और कंफ्यूज हो जाए आप लोग भैया है क्या ये आखिर पी के है कौन <laughs> जब हम शूटिंग कर रहे थे तो ये जितने आप हम इमेजेस आप देखेंगे चाहे पहला हो या दूसरा हो या आगे आने वाले हर दो तीन हफ्ते में जो हम एक रिलीज करेंगे सारे इमेजेस ये हमारे सीन के दौरान जो फोटोग्राफर होता है सेट पे उसने शूट किया है और ये सारे फिल्म के लम्हे हैं ये सारे फिल्म के लम्हे हैं तो फिल्म की शूटिंग के दौरान शूट हुए हमने कोई स्पेशल जैसे कभी कभी पोस्टर शूट होता है अलग से वैसे नहीं किया देखिए अभी कैरेक्टर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं अलग अलग अफवाहें घूम रही हैं कि एलियन है शराबी है अ, शायद दिमागी है। हालत ठीक नहीं है अलग अलग थियोरीज़ फ्लोट हो रही हैं कहानी तो क्या है तो उसके बारे में तो खैर हम लोग नहीं बताना चाहेंगे आपको हम चाहेंगे कि आप फिल्म देखें और ये बात तभी उसका खुलासा हो आमिर लेकिन ये जरूर है कि जब आप फिल्म देखेंगी तब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा एक्चुअली मुझे फिल्म के बारे में बताना तो नहीं चाहिए पर इतना जरूर बता सकता हूं कि फिल्म में वो ये भाषा बोल रहे हैं आमिर इस भाषा का इस्तेमाल फिल्म में कर रहे हैं okay, पूरी फिल्म में पूरी फिल्म में मैं भोजपुरी बात करता हूँ जी हाँ जो लालू जी की जो स्टाइल है हमारी जोरू का रिएक्शन एकदम टनाटन था भाई मैं मैं, मैं। यही सिर्फ चा, कहना चाहूँगा कि ये फिल्म को भी लेके जो लोग हमको कोर्ट या ऐसा कह रहे हैं वो ये सिर्फ देख लें मुड़ के कि हमने पिछले तीस साल में आठ फिल्में जो बनाई हैं वो क्या बनाई हैं तो हम अगर आठ साल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो हम आज क्यों अपने आप को ऐसे कुछ बेचने के लिए ऐसा इन भाई साहब के कपड़े उतारेंगे हमको कोई ज़रूरत नहीं हम तो फिल्म अपनी बना रहे हैं और हमने कभी कुछ बेचने के लिए बनाया ही नहीं है ये फिल्म राजकुमार ईरानी ने चार साल लगे इनको लिखने के लिए आप मुझे बताइए इतने सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं शायद हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स पाँच साल एक फिल्म लिख रहे हैं और उसको एक ही फिल्म बना रहे थे इनको तो छः फिल्म बना लेना चाहिए दस फिल्म बना लेना चाहिए तो जो हम पे उंग उंगली उठाते हैं उनको खाली ये सोचना चाहिए कि हम लोग हैं कौन हमने क्या किया एक सेकेंड भी नहीं लगा जब मैंने कहानी सुनी जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी इतनी बेहतरीन कहानी है इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट में जाहिर है ये भी एक मोमेंट था फिल्म के अंदर तो मुझे कोई आ, मतलब ना मुझे कोई हेजिटेशन हुआ ना मुझे कोई डाउट हुआ कि ये न, ना सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है बहुत ही जज्बाती कहानी है लेकिन ये किरदार जो है मेरा मैं कहूँगा कि पिछले 25 सालों में जो मेरे करियर में मैंने जितने रोल्स किए हैं और मैंने बड़े अच्छे मुझे मेरी खुशनसी भी है कि मुझे अच्छे फिल्मों में काम करने का मौका मिला अच्छे डायरेक्टरों के साथ अच्छे लेखकों के साथ और मुझे अच्छे अच्छे किरदारों का निभाने का मौका मिला लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पिछले पच्चीस सालों में जितने मैंने रोल्स किए हैं चाहे वो थ्री एडियट्स का रैंच क्यों ना हो लगान का भुवन क्यों ना हो या सरफरोश का एसीपी राठौड़ क्यों ना हो ये सारे किरदार 25 सालों में एक तराजू में और पीके का जो किरदार है वो एक तराजू में इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल रोल था ये मेरे लिए तो मुझे ज़रा भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि यार ये सीन है इसकी ये रिक्वायरमेंट है मुझे ये करना है और इसमें हम देखिए एक चीज़ होती है आप इनडिसेंसी कर रहे हैं आप कुछ वलगारिटी कर रहे हैं वलगैरिटी मैं आपको लफ्ज़ों में भी ला सकता हूं मैं पूरे कपड़े पहन के वलगर हो सकता हूं और मैं पूरे कपड़े उतार के आपको मैं वलगर नहीं लगूंगा जब हम पैदा होते हैं अपनी माँ के पेट से निकलते हैं हम कपड़े पहन के नहीं निकलते तो उस बच्चे को आप क्या वलगर कहेंगी तो लिहाजा वलगैरिटी जो है आ, वो कपड़े पहनने से या ना पहनने से नहीं आती वो आपकी सोच में होती है वो आपके एक्शंस में होती है आ, मैं अपने अल्फाजों से वलगर हो सकता हूँ मैं अपने एक्शन से वलगर हो सकता हूँ मैं अपने गानों के मूवमेंट्स में शायद वलगर हो सकता हूँ मैं अलग अलग तरीक़ों से तो मुझे ये पोज़ बिल्कुल वलगर नहीं लगता जब आप उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखेंगे और सारे चित्र को देखेंगे अब उसमें कहानी नज़र आती है किरदार की तो मुझे उसमें वेलगारिटी ना नज़र आई ना नज़र आती है और मुझे ज़रा भी हेजिटेशन नहीं हुआ एक सेकंड भी नहीं लगा